और वैसे तो मोदी का बस नहीं चलता, ये तो पूरे खित्ते को आग में लपेटना चाहता है। अजीब जुनूनी नफ्सियाती शख्स है, अजीब जुनूनी नफ्सियाती शख्स है। पाकिस्तान का मां का भोसड़ा, पाकिस्तान का मां का भोसड़ा। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ है कि भारत फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला ले, इनको हजम नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। कैसे? अफगानिस्तान के जो साबिक नायब सदर हैं अमरुल्ला सोले, उन्होंने भारत के साथ नेक्सस करके पाकिस्तान के खिलाफ कह लें कि क्या 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 गेम नहीं की और क्या क्या खेल नहीं रचाए, और जालसाजी का चक्कर चलाकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट की रौनक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, कुछ लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि मुझे फिजा खान से प्यार हो गया है, मैं फिजा खान पे फिदा हूं। मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है, फिजा खान का जो बोलने का तरीका है, जो बोलने का स्टाइल है, वो थोड़ा सा लोगों को भाता है, क्योंकि वो झूठ को इस तरीके से बोलती है और ऐसे तड़पती है और उसको इतना दर्द होता है, वो दर्द देखने में जो मजा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। हालांकि पाकिस्तान मीडिया में बहुत सारे एंकर हैं और उनको भी हम सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बात फिजा खान में है ना, वो किसी में भी नहीं है। तो आप मुझ पे ही आरोप लगा सकते हैं। तो आपका भाई आपके लिए आज फिर से हमारी प्यारी फिजा अकबर खान को पकड़ के लेके आया। इसने एक बार फिर भारत की तारीखों के पुल बांधे, बहुत बहुत फूल बरसाए हैं भारत के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमेशा भारत की तारीफें करती रहती है, हमेशा चुन चुन के अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं जानता हूँ अभी इनको तगड़ी चोट लगी है न्यूजीलैंड में, घर में आके जो इनके चाटा मार के गया ना अच्छी तरीके से, वो तमाचे की सनसनाहट अभी तक इनके चेहरे पे लगी हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडियंस ने तो बहुत इंजॉय किया और बहुत इंजॉय कर भी रहे हैं और बहुत मजा ले रहे हैं पाकिस्तानियों को यूं तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप इस आनंद को उठाइए, आपका भाई बीच में कोई एडिट नहीं कर रहा, आपका भाई मिलेगा आपको सीधा आखिर में, ठीक है। और वैसे तो मोदी का बस नहीं चलता, ये तो पूरे खित्ते को आग में लपेटना चाहता है। अजीब जुनूनी नफ्सियाती शख्स है, पता नहीं किस किस्म का शख्स है, जो सिर्फ और सिर्फ आग लगाना जानता है, इंतशार फैलाना जानता है, प्रोपेगेंडा साजिशें ये चाहता है, सिर्फ सुकून नहीं है इसको। भारत पागल बनाने के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल करता है, आपको पता है वो क्या कहते हैं, मामू बनाने का लफ्ज। और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर दुनिया को पागल बनाने का काम करता रहा, लेकिन अपनी ही चाल में, कहते ना कि फंस कर कोई अपनी चाल में फंस जाए और जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, वो हुआ भारत के साथ। अब कहानी में जो भाई थे सारे, उनका अपने वालिद के हाथों बेवकूफ बनने का गाँव वालों ने जिस तरह खूब मजाक उड़ाया ना, ठीक वैसे ही अब दुनिया में भारत का मजाक बन रहा है। अब पाकिस्तान के लिए अफगान सरजमीन से कोई खतरा नहीं और भारत को इस बात का गम खाए चला जा रहा है, और अब इंतकाम की आग में जल जल कर हिंदुस्तान से जालिस्तान बन गए। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैसे मंसूख किया और क्यों मंसूख किया और इस घिनौनी साजिश के पीछे भारत किस तरह से मुलव्वस निकला, ये फवाद साहब ने बयान किया। फवाद मजीद क्या कहते हैं कि टीटीपी और जमातुल अहरार के जो साबिक तर्जुमान है एहसान उल हसन, उनके जाली नाम से 19 अगस्त 2021 को फेसबुक पोस्ट सामने आती है, जिसमें न्यूजीलैंड और इसकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दे, क्योंकि दाइश और हसन ने टीम पर हमले का मंसूबा बना। अच्छा नाज़रीन, फवाद चौधरी ने मजीद भी भारत की जो तकरीब कारी है ना, उसकी कहानी से पर्दा उठाया है किस तरह, और अब जो कह लें कि जो मतलब पूरी जो डिटेल है वो मैं आपके जरा सर शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इससे आपको और भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे अफगानिस्तान के जो साबिक नायब सदर हैं अमरुल्ला सोले, उन्होंने भारत के साथ नेक्सस करके पाकिस्तान के खिलाफ कह लें कि क्या 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 गेम नहीं की और क्या क्या खेल नहीं रचाया। और फवाद चौधरी मजीद क्या बताते हैं कि जिसके बाद 21 अगस्त 2021 को भारतीय वेबसाइट संडे गार्डियन, उसके ब्यूरो चीफ ने एक आर्टिकल शाये किया
कि जी न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है, और ये इंकशाफ कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि भारतीय अखबार के जो ब्यूरो चीफ हैं उनके साबिक अफगान जो नायब जो सदर थे अमरुल्ला सोलह, उससे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात भी थे, और अमरुल्ला पाकिस्तान मुखालिफ होने के हवाले से आपको पता है बहुत मशहूर हैं। अब इस बात में मेरे ख्याल से कोई शक नहीं रह जाता कि भारत के गठजोड़ के जरिए से पाकिस्तान के खिलाफ जो जाली खबरें हैं वो फैलाकर किस तरह से एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चला रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि हुकूमत ने कुछ दिन पहले फिफ्थ जनरेशन वॉर के हवाले से भारत को खुलकर बेनकाब किया, एक्सपोज किया, भारत की जो असलियत है, औकात है, वो दुनिया को दिखाई। और फवाद चौधरी ने उस वक्त भी ये बताया था कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है NDS और PTM से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाता रहे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को कैसे और किस तरह से हाइब्रिड और फिफ्थ जनरेशन वॉर का सामना, और जाहिर सी बात है फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया गया, और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट सीरीज की जो मनसूखी है उसके मामले पर इंटरपोल से मुआवनत भी तलब। अच्छा, फवाद चौधरी ने न्यूजीलैंड के जो दौरा मनसूख करने की साजिश से एक और भी पर्दा उठाया, दूसरा क्लिप होगा फवाद चौधरी का, जरा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने, चंद दिन बाद न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं मार्टिन, उनकी अहलिया को एक ईमेल मौसूल होती है और उसमें इतला ये दी जाती है जी मार्टिन को दौरा पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। और ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये बाकायदा हकीकत का जो पर्दा चाक करते हुए कह रहे हैं कि जब तहकीक की गई तो मालूम ये हुआ कि जिस ईमेल एड्रेस से उनको ईमेल की गई वो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक था ही, और उस ईमेल से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल की गई है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी की अहलिया को की गई। अच्छा, इस सूरत हाल के बावजूद न्यूजीलैंड टीम ने अपना दौरा मनसूख नहीं किया, क्योंकि दोनों ममालिक की जो एजेंसीज उन्होंने धमकी पे मबनी इस ईमेल को जाली करार दिया, और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची और उन्हें गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई, और उन्होंने 13 तारीख को पहली प्रैक्टिस की, लेकिन 17 तारीख को जिस दिन मैच होना था उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी हुकूमत का हवाला देकर कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए दौरा मनसूख कर रहे हैं। अब ये है असल कहानी कि भारत ने किस तरह फिफ्थ जनरेशन वॉर का खेल रचाया और पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा साजिश है। अच्छा, भारत ने ये बाकायदा तासुर जमाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और इसने न्यूजीलैंड और बरतानिया के बोट को अपने साथ मिलाया इस साजिश के लिए, जबकि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के बकौल इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करना बरतानवी हाई कमीशन का नहीं बल्कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, और बरतानवी हाई कमीशन ने यानी इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई सिक्योरिटी खतरात हैं, यानी साजिश बेनकाब हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और बरतानवी सहाफी भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार पे से पर्दा किस तरह उठा रहे हैं जरा क्लिप देखिएगा। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो IPL से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मनसूख। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी IPL खेलने जाते तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि IPL के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं? और बरतानवी सहाफी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने IPL खेलने की खातिर भारत को खुश की है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये IPL के अगले सीजन से महरूम हो जाते, ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी, इखलाकियात उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद, बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा, और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ह है कि भारत फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला ले, इनको हजम नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। तो मेरी प्यारी फिजा खान जी, इतना भारत भारत करती हो तो रात को सोते उठते बैठते जागते सिर्फ भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी, हर चीज़ में आपको भारत की साजिश नज़र आती है। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, जब आप अपने पति के साथ रात को बिस्तर पे होती है तो वो क्या साजिश भी मोदी की होती है, मोदी करवा रहा होता है, या मोदी जी स्वयं वहाँ पर प्रकट होकर पहुँचे हुए होते हैं? तो इस बात का जवाब आप ज़रूर दीजिए।
और हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे देशों के लिए, भूखे नंगे देशों के लिए हम साजिशें करते रहे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है। अगर हम किसी से कंपेयर भी करते हैं अपना, तो हम चाइना से करते हैं, हम यूएसए से करते हैं, यूएई से करते हैं, हम बड़े बड़े देशों से करते हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी साख पूरी दुनिया के अंदर है। वो कटोरा लेके हर देश के बाहर भीख नहीं मांगते, यहाँ तक कि तुमने सोमालिया तक को तो छोड़ा नहीं, वहाँ तक के इन्होंने पैसे ले रखे हैं पाकिस्तानियों। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने वहाँ तक सोमालिया जैसा भूखा नंगा गरीब देश, तुमने उस तक के पैसे ले रखे। तो फिर ज्यादा ना बातें करना उचित नहीं है। और वीडियो देखने के बाद और मेरी बात सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है ना, उस खिचड़ी को आप कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि अगर आप दिमाग में रखोगे तो वो सड़ जाएगी। इसके लिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कमेंट करो, शेयर करो। और अब आपका भाई करेगा आपसे एक पर्सनल बात। पर्सनल बात ये है कि आपके भाई का अच्छा खासा चैनल है यूट्यूब पे, अच्छी खासी ऑडियंस भी है, लेकिन आपके भाई का इंस्टाग्राम है भूखा नंगा एकदम, 150 से भी ज़्यादा फॉलोवर नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो, 1000-2000 तक तो पहुँचा दो यार। और आपका भाई ऐसे वीडियो बनाता रहता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।